आगे जाके बनाइए। दीपावली के लिए इस बार बहुत ही विस्तृत तैयारी है, और जो मुझे बताते हुए बहुत खुशी है कि इस बार सरकार ने भी इसको एक अपना बहुत बड़ा सहयोग प्रदान किया है और इसमें एक बड़ी धनराशि इसके लिए हम लोग को दी है, और जिसमें हम लोग एक बहुत बड़ा लेज़र शो, एक सुंदर आतिशबाजी, एक सांस्कृतिक कार्यक्रम, पूरे घाट की दोनों तरफ साज सजावट और बहुत सारे ऐसी चीज़ें करा रहे हैं। इसकी तो साल भर पूर्व से ही बुकिंग प्रारंभ हो जाती है, और हम लोग को तो देव दीपावली के समय में, क्योंकि हम लोग गंगा तट पे है, हमारी होटल है, इसलिए हम लोग गंगा तट पे रहने वालों के लिए तो और ज़्यादा परेशानी का सबब बन जाती है, क्योंकि सब लोगों की इंटरेस्ट ये होता है कि हमको गंगा तट पे ही चल के रहना है। इसमें छोटी नाव जो है 23 तारीख देव दीपावली को छोटी नाव 5,000 से स्टार्ट होती है हम लोगों की, और लेके 2-2.5 लाख रुपये से ख़त्म होती है। बड़ी बड़ी बेड़े हैं वो ज़्यादा बुक होती है, और देव दीपावली को हम लोग की जबरदस्त तरीके से सुधार रहता है उस दिन। हम इस वक्त दशाश्वमेध घाट पर मौजूद हैं, गंगा सेवा निधि का मुख्य कार्यक्रम होता है, आप देख भी सकते हैं, इसे लेकर तैयारियां अंतिम दौर में हैं। ये इंडिया गेट की रिप्लिका बन रही है जो हर साल बनाई जाती है, यहाँ अमर जवान शहीद ज्योति भी जलाई जाती है, जहाँ पर जो शहीद जवान हैं उनको दीपदान कर श्रद्धांजलि दी जाती है। फिलहाल यहाँ पर तैयारियाँ जोर शोर से जारी हैं, और 23 नवम्बर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल राम नाइक के साथ कई और सेलिब्रिटी बनारस में होंगे और देव दीपावली का आनंद उठाएंगे। वाराणसी से गोपाल मिश्र, ईटीवी।